चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत शराब कांड में आईएएस शेखर विद्यार्थी का बचाव किया है। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज ने शेखर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला का कहना है कि वो एसीटी की सिफारिश से सहमत नहीं है। सोनीपत शराब कांड मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आईएएस शेखर विद्यार्थी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि एसीटी की सिफारिश से वो सहमत नहीं है। दरअसल एसीटी की जांच में शेखर विद्यार्थी का नाम आया था। दुष्यंत ने कहा कि शराब ठेके बंद करने के आदेश उन्होंने दिए थे और अगले दिन उसे लागू किया गया था, जिसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी उनके पास आ गई थी। डिपार्टमेंट के तमाम डीटीसी के साथ इसी कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मैंने पीएसीटी ने ईटीसी ने कलेक्टर एक्साइज ने जॉइंटली आदेश दिए कि आप तुरंत प्रभाव से आज संध्या से आज रात्रि से तमाम वेंट्स को बंद कर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजें और 27 तारीख को बकायदा 22 के 22 जिलों से 11 बजे हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर मेरे आदेश अनुसार रिटर्न रिप्लाई आता है तो वो कंप्लायंस है। दरअसल 2000 पन्नों की एसीटी की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री ने सोनीपत के तत्कालीन एसपी प्रतीक्षा गोदारा और आईएएस शेखर विद्यार्थी के खिलाफ जांच और कार्रवाई की सिफारिश की थी। अनिल विज ने कहा था कि लॉकडाउन के आदेश को शेखर विद्यार्थी नीचे तक नहीं पहुंचा पाए। एसीटी ने शेखर विद्यार्थी के खिलाफ भी कुछ रिकमेंडेशंस दी है। ईटीसी, हाँ जी, ईटीसी के खिलाफ। जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त सरकार का ये फैसला था कि सब इंस्टीट्यूशन, कोई किसी भी प्रकार का हो, वो सब बंद कर दिए जाएं। लेकिन शेखर विद्यार्थी ने ईटीसी होते हुए भी ये कम्युनिकेशन नीचे नहीं भेजा, शराब ठेकों को बंद करने के लिए नीचे नहीं भेजा। हालांकि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हवाला दे दिया कि हमने उसमें कह दिया था, लेकिन लिखित में आदेश ना जाने की वजह से नीचे ठेकों पर कार्रवाई होती रही, परमिट जारी होते रहे और जो ट्रांसफर के इनके होते हैं वो जारी होते रहे। सोनीपत शराब मामले में इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि एसीटी की रिपोर्ट प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय और कुछ नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर विजिलेंस को जांच सौंपना और एक आईपीएस और एक आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करना महज खानापूर्ति है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में 3 फैक्ट्रियों को प्रोडक्शन की अनुमति कैसे मिली। सैलजा ने कहा कि शराब घोटाले की जांच रिपोर्ट केवल मजाक बनकर रह गई है। इस जांच में पहले एसआईटी, फिर उसे एसीटी बना दिया गया। ये जांच केवल ऑपरेशन कवर अप है। जिन्हें जिम्मा दिया गया उन्हें कोई पावर नहीं दी गई। इस जांच में केवल सफेद पोशों को बचाया गया। हालांकि जांच रिपोर्ट पर अनिल विज ने कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। हालांकि दुष्यंत चौटाला आईएएस शेखर विद्यार्थी का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वे हरियाणा में अब रोडवेज की बसों को पहले की तरह दौड़ाया जाएगा, यानी पूरी सवारी के साथ सभी रोडवेज की बसें चलेंगी। परिवहन मंत्री ने सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए बसों के परिचालन की बात कही, लेकिन रोडवेज कर्मचारी यूनियन इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इससे संक्रमण का खतरा यात्री से लेकर बस के ड्राइवर और कंडक्टर तक होगा। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा की सड़कों पर अब रोडवेज की सभी बसें सर पर दौड़ती नजर आ रही हैं। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब बसें पहले की तरह पूरी सवारी के साथ चलेंगी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान कुछ ही बसें चल रही थी, वो भी आधी सवारी के साथ, लेकिन अब पूरे 52 सवारियों को लेकर हरियाणा रोडवेज चलनी शुरू हो चुकी है।
जो हरियाणा रोडवेज की जो बस है, जो पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, जो हमारे प्रदेश जो साथ लगे हुए हैं, और उनके क्या है कि बसों में आने वाले तो लोग हैं नहीं, लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं, तो जो बस की कैपेसिटी 30-40-52 तो आदमी नहीं है, तो इसलिए क्या है कि जितने भी लोग बैठना चाहो बैठ सकते। नहीं, हमने सोशल डिस्टेंस, आदमी नहीं है, सारा ही सोशल डिस्टेंस है। जब आदमी बस में नहीं है, सभी तो खाली है बस, नहीं कहीं भी बस नहीं है, पूरा कहीं नहीं है, बस खाली। हमने 4 महीने से हमने 30, 25, 20, हम 30 की बात करते हैं, 25 आदमी नहीं है बस में, 20 आदमी बस में नहीं है। तो फिर ये 52 का आदेश क्यों देना पड़ा? भाई 52 सीटर बस थी कभी, 52 पे 52 सीटर है, 52 का ही आदेश दे दिया। नीतिगत रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी, आदमी नहीं है। हरियाणा रोडवेज में किसी बस में आदमी चलने के लिए तैयार नहीं है। रक्षाबंधन के दिन भी बसें खाली चली हैं जो थी, आप उसमें जब आदमी नहीं है तो बस सारी खाली है, सोशल डिस्टेंस। मेरा कहने का ये कि 52 सवारी है नहीं अभी, 40, 20, 30 नहीं, जब आदमी निकलेंगे और बस चला देंगे। हालांकि नियम सभी लागू होंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा, क्योंकि 52 सवारियां जब बस में होंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, ये खुद सोच सकते हैं। अम्बाला कैंट बस स्टैंड पर ऐसी ही तस्वीर भी सामने आई। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर रोडवेज कर्मचारियों के अधिकारी कहते हैं वो तो मुख्यालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं। हाँ, कल है ना मेल आ गई हेड ऑफिस से कि बसों को 52 सीटें बिठा के फुल करके चलाओ, और जो जैसे ही मेल आई है आज से उसका पालन कर दिया गया है, बसें बुला के फुल कैपेसिटी में चलाई गई हैं। बाकी डिपो के जीओ में तो ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये यहाँ बाड़ा भी अभी ऑर्डर हो जाएंगे और साथ ही इनको पुल पे चला जाएगा। जिन लोगों के पास सफर करने के लिए अपने संसाधन नहीं है, उन्हें मजबूरी में रोडवेज की बसों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ यात्री सरकार के इस फैसले को जल्दबाजी बता रहे हैं, तो कुछ ये कहते नजर आए कि सरकार जो कर रही है वो ठीक है, और ये फैसला भी सरकार ही जानती है कि सही है या गलत। सभी हम फॉलो द रूल भी फॉलो कर रहे हैं, मास्क वगैरह लगा के। आपसे 52 सीटें भरने की परमिशन दे दी है सरकार ने, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं भरनी चाहिए। जैसे अभी चल रहा है ना, फॉलो कर रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, वो अभी चलना चाहिए, अभी नहीं। जो सोशल डिस्टेंस खत्म किया, जितना मतलब सवारी उचित है उतनी ही जाना चाहिए, उसे फालतू नहीं जाना चाहिए। तो इसको फैसले को क्या मानते हैं सरकार के? सरकार के फैसले को सही मानते हैं, जो भी डिसीजन लिए हैं। फतेहाबाद रोडवेज में भी बसों में अच्छी खासी भीड़ नजर आई। सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन यात्री कतई नहीं करते दिखे। अधिकतर यात्रियों ने अपने मुंह पर मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, जिससे अगर ये कहा जाए कि सरकार के इस आदेश से कोरोना फैलने की संभावनाएं बढ़ेंगी तो कोई गलत नहीं होगा। ये आदेश ये आए हैं कि हम फुल कैपेसिटी में, यानी कि 52 सवारियां अभी बसों में सवारी कर सकती हैं, 52 सवारियां लेके बसें चल सकती है। पहले जो शुरुआत में 30 के आदेश आए थे, उसके बाद फिर 35 के थे, और अभी जो लेटर आया उसमें फुल कैपेसिटी से बसें चल सकती हैं। तो आपकी तरफ से आदेश जारी कर दिए गए पूरे स्टाफ को? हाँ। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान जोगिंदर बलहारा ने बताया कि इस फैसले से कोरोना सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि चालक परिचालक को भी खतरा होगा। रोडवेज कर्मचारियों को भी सरकार 50 लाख का बीमा घोषित करे। इतनी जनता में कौन आएगा? बस स्टैंड पर आज भी आप देख रहे हो सवारी इतनी नहीं है, आज विभाग घाटे में चल रहा है, और घाटे में चलाने वाली है सरकार है। यानी कि जब इस महामारी का 500 से 1500 जब इस पूरे देश में कोरोना के मरीज थे, जब तो ये पूरा देश बंद था, और आज इस प्रदेश के अंदर कई हजार कोरोना के मरीज हैं। आज इस पूर्ण रूप से ये प्रदेश सरकार हर चीज को अपनी वाहवाही लूटने के लिए आज ये जनता का सुख सुविधा नहीं देख रही, जनता की जो प्रॉब्लम थे वो बिल्कुल नहीं देख रही। हम ये प्रदेश सरकार से जो मांग करते हैं, हमारा कर्मचारी का 100% जो 50 लाख का बीमा उसका होना चाहिए, जो उन कर्मचारियों के हो रहे हैं स्वास्थ्य वाले के पुलिस वालों के, उनके बराबर ये भी 50 लाख का बीमा। ऐसे में रोडवेज बसों में चढ़ने से पहले समझदारी और बचाव साथ लेकर चलें।
जो कि पूरी ताकत के साथ बसें चलनी शुरू हुई हैं और हो सकता है उतनी ही ताकत के साथ कोरोना का संक्रमण आपके सफर में साथ न पकड़ ले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।